मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज फ्रेंड्स अबोलिशिस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है और पार्ट थ्री वाला वीडियो हम देखेंगे अभी, जिसमें जो फ्रांस अबोलिशिस मोनार्की की फ्रांस में राजतंत्र का अंत एंड बिकम्स अ रिपब्लिक की फ्रांस में जो मोनार्की है वो कैसे उसका एंड हुआ और कैसे हुए एक रिपब्लिक फ्रांस बना, तो ये प्रोसेस हम देखेंगे इस वीडियो में। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। जो फ्रांस की जो सिचुएशन है वो आने वाले ईयर्स में भी कैसी रही, टेंस तनावपूर्ण बनी रही, इट मीन्स टेंशन में चलते रहे। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अभी देखा था ऊपर कि 1791 में जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना फ्रांस में, लुई 16 ने ये जान लिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो इसलिए उसने लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर दिए थे। ही एंटर्ड इन टू ग्रेट नेगोटिएशंस विद द किंग ऑफ पर्सिया, परंतु पर्सा के राजा से उसकी जो ग्रेट गुप्त नेगोटिएशंस जो वार्ता चल रही थी पर्सिया के राजा से, हालांकि लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर दिए थे, परंतु पर्सा के किंग से उसकी जो ग्रेट नेगोटिएशन वार्ता चल रही थी। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वर वरिड बाई द डेवलपमेंट्स इन फ्रांस, जो फ्रांस के जो नेबरिंग कंट्रीज इट मीन्स फ्रांस की घटनाओं से जो इंसिडेंट जो इवेंट्स हो रहे थे फ्रांस में, फ्रांस की घटनाओं से जो अन्य नेबरिंग कंट्रीज थे, अन्य पड़ोसी देशी के शासक भी क्या थे, वरिड चिंतित थे। हालांकि फ्रांस में डेवलपमेंट हो रहे थे तो उस डेवलपमेंट से अदर कंट्रीज वरिड थी। एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स टू पुट डाउन द इवेंट्स दैट हैड बीन टेकिंग प्लेस देयर सिंस इन द समर ऑफ 1789। अब उनको चिंता हो रही थी पड़ोसी देशों को, तो वो क्या करेंगे, उन्होंने 1789 की समर के टाइम गर्मियों के बाद होने वाली ऐसे इवेंट्स जो भी घटनाएं थी उनको कंट्रोल करने के लिए इन शासकों ने ट्रूप्स सेना भेजने का प्लान बना ली थी। इट मींस पड़ोसी देश उसकी डेवलपमेंट से परेशान थे, तो पड़ोसी देशों ने क्या सोचा कि गर्मियों के बाद जितने भी घटनाएँ को 1789 की गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी सभी घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी कि हम सेना भेजेंगे वहाँ पे और इन इवेंट्स को हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। देखिए, लेकिन जब तक इस प्लान पर, कहते हैं ना कि हमने प्लान बना लिया तो इम्प्लीमेंटेशन, इस प्लान को शुरू करने से पहले अप्रैल 1792 में, अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया याद रखना, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध वॉर की प्रोक्लेमेशन घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया था। इट मीन्स अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने पर्शिया और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी। अब क्या क्या थाउजेंड्स प्रोविंसेस प्रांतों से हजारों वॉलंटियर्स होता है ना कि अपने आप से वॉलंटियर अपने आप से अपनी इच्छा से, तो प्रांतों से हजारों वॉलंटियर्स सेना में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे कि उन्होंने अपनी प्रोमिसेस टू ज्वाइन द आर्मी, प्रांतों से ज्वाइन द आर्मी वॉलंटियर्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ने सेना को ज्वाइन किया। दे सॉ दिस एज ए वार ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। ये जनता जो है, आम जनता, ये क्या सोच रही थी, इन्होंने इस वॉर को यूरोपियन राजाओं के और एरिस्टोक्रेसी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं जो हायर क्लासेस के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। इन्होंने सोचा कि जो वॉर चल रहा है ना ये सभी यूरोपियन राजाओं के और कुलीन तत्वों के खिलाफ है, इसलिए उन्होंने वॉलंटरी आर्मी को ज्वाइन करना शुरू किया। अमंग द पैट्रियट सॉन्ग्स आप सुनते हो ना, देशभक्ति गीत, देश संग उन्होंने गाए वॉज दी मर्सेल, इसको आप अंडरलाइन करें, ये क्वेश्चन बन सकता है ना, ठीक है, तो आप इसको मार्सेलेस क्या था, तो उनके जो देशभक्ति के जो गाने हैं उनमें था ये मार्सेले। कंपोज बाय द पोइट रोगेट दी ली इसले, इट मीन्स मार्सेले एक सॉन्ग है, देशभक्ति सॉन्ग है, पैट्रियट सॉन्ग है, और ये किसने लिखा है, ये राजेट दी लाइल द्वारा है, रचित है, आपको अंडरलाइन करना है, मार्सेलेस का है, एक पैट्रियट सॉन्ग है, रिटन बाय कंपोज बाय पोइट रोगेट दी ले इसले। इट वॉज संग फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार गाया गया था बाय वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्सेलेस एज दे मार्च इन टू पैरिस एंड सो गॉट इट्स नेम। यह गीत पहली बार मार्सेलेस के वॉलंटियर्स ने पैरिस की ओर जो वो कूच कर रहे थे उस टाइम गाया था, जो मार्च कर रहे थे पैरिस में, एंड गॉट इट्स नेम।
इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मार्सले हो गया, क्योंकि मार्सलेज में इन लोगों ने वो किया था, तो इसका नाम ही क्या हो गया, मार्सले। द मार्सले इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस, और ये जो गाना है नेशनल एंथम हो गया, फ्रांस का राष्ट्रगान बन गया मार्सले। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। द रिवोल्यूशनरी वॉर्स, जितने भी क्रांतिकारी युद्ध है उनसे क्या हुआ, जो जनता है उसको लॉस क्षति हुई, एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज, इकोनॉमिक आर्थिक कठिनाइयाँ लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि वॉर चल रहा है, तो वॉर में आप देखते हो कि सारी चीज़ें धीरे धीरे, फूड के प्राइसेस हाई हो गए थे, लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, ब्रेड की दुकान पे बहुत लंबी क्यूज लगी हुई थी। व्हाइल द मैन वर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, और जो मैन होते थे घर के वो दूर चले जाते थे फ्रंट लड़ाई लड़ने के लिए, इट मीन्स मोर्चों पर चले जाने के बाद, वीमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग ए लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिली। जो फैमिली का जो मैन है वो तो घर परिवार से दूर चला गया, आउट ऑफ कंट्री, ठीक है, तो इसके बाद उनके जाने के बाद घर परिवार और जो लाइवलीहुड्स, जो उनकी रोजी रोटी है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किन के ऊपर आ गई, औरतों के ऊपर आ गई, वीमेन्स के ऊपर आ गई, उनके कंधों पर आ पड़ी। लार्ज सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पोलिटिकल राइट्स ओनली टू द रिचर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अभी देखिए क्या हुआ कि देश का एक लार्ज पार्ट, देश की पॉपुलेशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा, उसको ऐसा लगता था कि रिवॉल्यूशन के जो एक प्रोसेस चल रही है इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट, उनको लगा कि द रिवॉल्यूशन हैड टू पे कैरिड फर्दर, कि रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 गेव पोलिटिकल राइट्स, कि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसके ऊपर लुई 16 ने साइन किए थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ रिचर अमीरों को ही पॉलिटिकल राइट प्राप्त हुए थे, इट मीन 1791 के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि वही लोग राइट टू वोट था उन्हीं लोगों के पास जो 3 डेज की वेजेस के बराबर टैक्सेस पे करते हो, इट मीन सिर्फ अमीर लोगों को राइट टू वोट मिला था, सभी को नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने कहा कि इस रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पॉलिटिकल क्लब्स बिकम एन इम्पोर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल वो विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। पॉलिटिकल क्लब्स इट मीन्स लोग जो है वो राजनीतिक क्लब में अपने अड्डे जमा करके अड्डे जमाने लगे, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो सरकारी नीतियाँ हैं, और अपनी कार्य योजना पर वो क्या करते थे, अपने एक्शंस पर, ऑन फॉर्म्स ऑफ एक्शन, अपने कार्यों पर आपस में क्या करते थे, वो डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाई हैं उनके ऊपर वो डिस्कस करेंगे, और खुद के जो उनके प्लान्स हैं उनके ऊपर वो डिबेट करते थे क्या सही है क्या गलत है। The most successful of these clubs was that of the Jacobin. क्वेश्चन बन सकता है ना कि Jacobin क्या था, तो Jacobin क्लब था जो कि सबसे ज़्यादा क्या हुआ, सक्सेसफुल हुआ, विच गॉट इट्स नेम। अब Jacobin को इसका नाम कहाँ से मिला, फ्रॉम द फॉर्मर कन्वेंट ऑफ सेंट Jacobin पेरिस, इट मीन्स Jacobin क्लब सबसे सक्सेसफुल था और इसका नाम पेरिस के पोस्ट, मतलब पहले वाले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा, पेरिस के फास्ट वाले कॉन्वेंट था ये ऑफ सेंट क्लब के नाम पर पड़ा। वीमेन टू वो हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। वीमेन्स ने क्या किया, जो इस पूरी टाइम ऑफ पीरियड में क्या थी, एक्टिव सक्रिय थी, उन्होंने भी अपने क्लब फॉर्म्स कर लिए, अपने क्लब बना लिए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। इस चैप्टर के सेक्शन 4 में आप अबाउट द एक्टिविटीज़ और डिमांड्स के बारे में जानेंगे, इट मीन्स हम अब सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, देन हम सेक्शन 4 देखेंगे इन सब के बारे में कि क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ थी और क्या क्या उनकी डिमांड्स थी। द मेंबर्स ऑफ द Jacobin क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अभी देखिए जो Jacobin क्लब फॉर्म किया गया है उसके जो मेंबर्स हैं वो मेनली बिलोंग किसे करते हैं, लेस प्रॉस्परस सेक्शन, इट मीन्स बहुत ही कम प्रोस्प्रेस समृद्ध हिस्से से आते थे, इट मीन्स वो गरीब लोग थे। दे इंक्लूड, अब उनमें कौन कौन थे, देखिए Jacobin क्लब के मेंबर्स में स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशंस सच एज शू मेकर्स, पास्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेज वर्कर्स, ये सभी Jacobin क्लब के मेंबर्स थे। जूता बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, घड़ी बनाने वाले, प्रिंट छपाई करने वाले, और सर्वेंट नौकरी करने वाले, और डेली वेजेस होते हैं दिहाड़ी मजदूर, ये सब Jacobin क्लब के मेंबर्स थे। देयर लीडर वॉज Maximilien Robespierre, अंडरलाइन दिस लाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इनके हेड कौन थे, इनके लीडर कौन थे, Maximilien Robespierre। अ लार्ज ग्रुप
among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers similar to those worn by dock workers. अब देखिए जो जैकोबिन क्लब के पीपल्स थे, अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन्स. अब जो जैकोबिन का एक जो लार्ज ग्रुप था, एक बड़ा वर्ग था, उन्होंने उनको क्या कहते हैं, लॉन्ग गोदी गोदी कामकारों की तरह एक यहाँ पे दिखाया हुआ है, डॉक वर्कर्स, डॉक होते हैं गोदी कामकार, जो एक नाम उनको डिफाइन किया गया, उनकी जैसे ही एक लंबी धारदार पैंट पहनने का उन्होंने डिसीजन लिया. लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनने का उन्होंने डिसीजन लिया. दिस वॉज टू सेट देमसेल्व्स अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि समाज का जो फैशनेबल वर्ग है, ठीक है, फैशनेबल वर्ग स्पेशली नोबल्स, स्पेशली कौन, नोबल्स, हायर सोसाइटी के लोग, वो रोर नी ब्रेंचेस ब्रिचेज, जो नी घुटनों तक, ब्रिचेस इट मीन्स घुटना जो बोलते हैं, पहनने वाले कुलों ने उसे खुद को अलग किया. इट मीन्स ये लोग स्मॉल थे, गरीब थे, तो इन्होंने क्या किया कि हम ये पहनेंगे स्ट्रिप वाली लॉन्ग ट्राउजर हम पहनेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि जो फैशन वर्क के जो लोग हैं, इट मीन्स जो नोबल्स हैं, वो घुटनों तक पहनने वाले ब्रिचेस पहनते थे, तो इन्होंने खुद को अलग कर लिया. इट मीन्स आप दो पीपल को देखोगे तो आप उनको डिफाइन कर सकते हो कि स्ट्रिप लॉन्ग ट्राउजर है तो ये जैकोबिन क्लब का मेंबर है, गरीब है. देन जिन्होंने घुटनों तक ब्रिचेस पहना हुआ है वो कौन है, नोबल्स है. ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को उनसे अलग करने के लिए अपने ड्रेस सेंस को अलग कर लिया. देखिए कन्वेंट मीन्स क्या होता है, बिल्डिंग बिलोंगिंग अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ. कन्वेंट होता है ना कि धार्मिक समूह को समर्थित समूह की इमारत. आप देखते हो आपके यहाँ पे एक स्कूल का नाम है, ठीक है, वो भी एक कन्वेंट ही है. आगे देखेंगे, इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग डिड एंड ऑफ द पावर जिल्ड बाय द वीवर्स ऑफ नी ब्रिजेस. अब ये देखिए इसका, ये किसको प्रोक्लेम कर रहा था, ये जैकोबिलोनो की जो किसको कर रहा था ये, कि ये जो ब्रिचेस पहनने वाले जो लोग हैं, जो नोबिलिटी हैं, उनकी जो एंड ऑफ पावर यील्ड बाय द वीयर्स ऑफ नी ब्रिंचिस, या ब्रिचेस पहनने वाले कुलीनो की जो पावर है उसके एंड, सत्ता समाप्ति के ऐलान का एक तरीका था, एक घोषणा थी, प्रोक्लेम था कि उनकी पावर को क्या किया जाएगा, अभी एंडिंग टाइम आ गया उनका. दी जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सन कुलेट्स, लिटरेरी मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचिस. अब देखिए, दी जैकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सन्स क्लोटर्स इन इसलिए जैकोबिलोनों को सो कुलात के नाम से जाना गया. सन क्लोट्स इट मीन्स सो कुलात के नाम से जाना गया. लिटरेरी मीन्स, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लिटरेरी मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रिचिस, दोज विदाउट इट मीन्स बिना घुटने वाले, इट मीन्स जो ब्रिचिस नहीं पहनते. सन क्लोट्स मैन रोट वोर इन एडिशन द रेड कैप. अब देखिए जो सो कुलात के लोग थे, ये जो मैन थे वो किस कलर की टोपी पहनते थे, रेड लिखा है रेड कैप, तो कैसी कलर की टोपी पहनते थे, रेड कलर की पहनते थे. अब रेड कलर की क्यों, ये किसको सिंबलाइज कर रहा था रेड कलर, तो ये इसका सिंबलाइज था लिबर्टी, इट मीन्स स्वतंत्रता का प्रतीक थी ये रेड कैप. तो क्वेश्चन आता है ना कि जैकोबिन क्लब के पीपल्स किस कलर की कैप पहनते थे, तो रेड, और रेड क्लब किसको सिंबलाइज करता था, तो रेड क्लब लिबर्टी को सिंबलाइज करता था, स्वतंत्रता का प्रतीक थी. वीमेन हाउ एवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी. इट मीन्स मैन पहनते थे रेड कैप. इन द नंबर ऑफ 1792, इन द समर ऑफ 1792 की गर्मियों में द जैकोबिन्स प्लान्ड अ इनसिक्योरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस वो वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाइज एंड हाई प्राइस ऑफ फूड. गर्मियों में जैकोबिन ने प्लान बनाया क्या, इनसिक्योरेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन, कि जो वो वर अंगर्ड शॉर्ट सप्लाइज, 1792 की गर्मियों में जैकोबिन ने खाद्य पदार्थ जो फूड प्राइसेस थे उनकी महंगाई हो गई, ठीक है, इट मीन्स प्राइस क्या हो गए, हाई हो गए, और शॉर्ट सप्लाइज इट मीन्स कम भी हो गई, एक तो फूड प्राइसेस हाई लेवल पे हो गए, प्लस में फूड ग्रेन मिल ही नहीं रहा था, तो इससे वो क्या हो गए, एंगर्ड, गुस्सा आया उनको, नाराज़ होकर पेरिस वासियों ने, जो पेरिस के लोग थे, उन्होंने एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई 1792 की गर्मियों में. प्राइस हाई हो गए फूड के और कमी भी हो गई, शॉर्ट हो गए बिल्कुल सप्लाइज, तो उन्होंने प्लान बनाया एंड इंसिक्योरेशन हो गया कि हिंसक विद्रोह, कि हम क्या करेंगे, हिंसक इंसिक्योरेशन, हिंसक विद्रोह करेंगे, इसमें हिंसा होगी. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th दे स्टॉर्म द प्लेस ऑफ द टेरिटरीज
मास्कॉट द किंग्स गार्ड्स एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल हार्स। अब क्या हुआ, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने टुलेरिए, ये देखिए एक जगह है टुलेरिए के महल पर, इट मीन्स टुलेरिए का महल है, टुलेरीज के प्लेस महल पर क्या किया उन लोगों ने, बिल्कुल ही क्या बोल दिया, स्टॉर्म धावा बोल दिया उन्होंने, कौन से महल पर, टुलेरिस के महल पर। मास्कर द किंग गार्ड्स, और जो किंग के गार्ड थे, किंग के रक्षकों को उन्होंने क्या किया, मार डाला। एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज होस्टेज फॉर सेवरल आवर्स, और राजा को कई घंटों तक उन्होंने क्या बनाए रखा, होस्टेज, बंधक बनाए रखा। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, बाद में जो रॉयल फैमिली है उसको असेंबली ने, शाही परिवार जो था रॉयल फैमिली, तो उसको जेल में डाल देने का प्रस्ताव पास कर दिया, इम्प्रीजन, क्यों कहाँ जाएंगे रॉयल फैमिली, जेल में जाएंगे। इलेक्शंस वर हेल्ड, इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 20 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। इससे पहले वेल्थ वाले लोगों को ही राइट टू वोट था, इसके बाद क्या हुआ कि नए चुनाव करवाए गए, और 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी मैंस, चाहे उनके पास वेल्थ हो या नहीं हो, उनको राइट टू वोट दिया गया। अब देखिए क्या चेंज आया, सिर्फ चेंज ये आया कि जो जो एक पहले क्या था 1791 में, कि जिसके पास वेल्थ है उसके पास राइट टू वोट है, और 25 इयर्स थी, अब 21 इयर्स हो गया, और ऑल ओवर मैन, सभी मैन के पास हो गया, वीमेन को अभी भी नहीं मिला है। द न्यू इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड द कन्वेंशन, और जो अभी अभी नई असेंबली बनी है उसको क्या नाम दिया गया, कन्वेंशन नाम दिया गया। ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिश द मोनार्की, 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अबोलिश कर दिया, उसका अंत कर दिया। एंड डिक्लेयर फ्रांस अ रिपब्लिक, और फ्रांस अब क्या बन गया, रिपब्लिक। देखिए हमने स्टार्ट किया था कि हम देखेंगे कि फ्रांस में मोनार्की का एंड कैसे हुआ और रिपब्लिक फ्रांस कैसे बना, यही टॉपिक था हमारा, और हमने देखा कि कैसे मोनार्की को एंड किया गया, क्या क्या इवेंट्स हुए, और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कन्वेंशन बनी, इलेक्शन हुए, और फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना। एज यू नो अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब आपको पता है कि रिपब्लिक होता क्या है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पब्लिक इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अब रिपब्लिक से क्या मतलब है, आप गणतांत्रिक कंट्रीज के बारे में आप जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें और देखेंगे कि कब और कैसे गणतंत्र बने। अब देखिए आप रिपब्लिक किसको कहेंगे, जहाँ सरकार का वह रूप है, रिपब्लिक गवर्नमेंट का वह फॉर्म है जहाँ गवर्नमेंट और उसके जो हेड्स है उसका इलेक्शन करती है, कौन, जनता। देर इज़ नो हाइडेटरी मोनार्की, हाइडेटरी होता है ना वंशानुगत, जो वंश चलता है, जैसे गुप्त में आप देखते हो पूरा वंश चलता है, चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त, भानुगुप्त, ऐसे मतलब गुप्त का बेटा, मतलब राजा का बेटा राजा, जो हाइडेटरी मोनार्की चलती है, जो वंशानुगत राजशाही है वो नहीं है इसका मतलब, ठीक है। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज़, आप कोशिश कीजिए और अदर कंट्रीज़ को फाइंड आउट कीजिए दैट आर रिपब्लिक्स, जो कि गणतंत्र हैं, एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो, और आपको देखना है कि कब और कैसे वो रिपब्लिक बने। लुई 16 वो सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन, लुई 16 को कोर्ट द्वारा ट्रीजन, देशद्रोह के आरोप में क्या दे दिया गया, सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा सुना दी गई। ऑन 21 जनवरी 1793, 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द प्लेस डे लॉ कॉनकॉर्ड, प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे पब्लिकली, इट मीन सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। द क्वीन मैरी एंटोनेट मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, और जल्दी जो रानी एंटोनेट थे उनका भी यही हुआ, उनको भी फांसी दे दी गई थोड़े समय बाद। अब हम देखेंगे द रीजन ऑफ टेरर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये रीजन ऑफ टेरर, आतंक का राज। द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794, आप इसको अंडरलाइन करें, इज रिफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर, 1793 से 1794 तक के काल को हम आतंक का युग कहते हैं। रोबेसपियर, अब आपको याद होना चाहिए रोबेसपियर कौन था, जैकोबिन क्लब का लीडर। रोबेसपियर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सर्वर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, रोबेसपियर ने कंट्रोल एंड पनिश, नियंत्रण और पनिश की एक बहुत ही हार्ड नीति अपनाई। ऑल दोज वूम ही सा ए बींग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल्स एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी वुड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स, वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाय ए रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। देखिए रोबेसपियर ने कंट्रोल एंड पनिश की नीति अपनाई,
उसके वो क्या सोच रहा था अकॉर्डिंग टू रोबेशपियर, उसके अनुसार वो सभी रिपब्लिक के शत्रु हैं। इट मीन्स उसका क्या मानना है कि ऑल दोज वो ही सा एज बींग यू नो एनिमीज, वो सभी को शत्रु के रूप में देख रहा था। किसके शत्रु के रूप में? रिपब्लिक के रूप में। इट मीन्स कौन कौन थे रिपब्लिक के शत्रु अकॉर्डिंग टू रोबेशपियर? देखते हैं कौन कौन थे। एक्स नोबल्स, एक्स नोबल्स जो पहले नोबल्स थे, क्लर्जी जो पादरी थे, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य, इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, इवन उसकी खुद की पार्टी के सदस्य, ठीक है, उसकी पार्टी के सदस्य, वो डिड नॉट एग्री, जो एग्री नहीं थे विद हिज मेथड्स, जो उनके जो रोबेशपियर के मेथड के साथ एग्री नहीं थे, वो उसके एनिमीज है। एक्स नोबल्स एनिमीज हैं, कलर्जी एनिमीज हैं और अदर पॉलिटिकल पार्टीज के सभी मेंबर्स उसके शत्रु हैं अकॉर्डिंग रोबेशपियर के, वर अरेस्टेड। अब रोबेशपियर ने क्या किया, इनको क्या करवा दिया, अरेस्ट करवा दिया, इम्प्रिजन जेल में डाल दिया एंड देन ट्राइड बाय रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, और अगर उन्हें दोषी पाता तो वो उन पर मुकदमा चला देता, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर केस चलाया जाता था। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लुटनाइड, अगर उनको दोषी पाया जाता तो उनको गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। देखिए गिलोटिन एक मशीन थी जिसमें ब्लेड लगी होती थी, जिसमें सर को नीचे और मशीन को ऊपर से उसको कट कर दिया जाता था सर को, तो गिलोटिन एक मशीन है। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या है गिलोटिन इज़ अ डिवाइस, अंडरलाइन करेंगे आप इसको, क्वेश्चन आ सकता है ना कि व्हाट वाज गिलोटिन, गिलोटिन क्या था, तो गिलोटिन इज़ अ डिवाइस, एक डिवाइस थी कंसिस्टिंग ऑफ टू पोल्स, जिसमें टू पोल्स होते थे, दो खंभे होते थे, इट मीन्स एंड अ ब्लेड, एक ब्लेड होती थी विद विच अ पर्सन इज बी हेडेड। गिलोटिन दो खंभों के बीच लटकने वाली एक मशीन थी जिस पर रख कर अपराधी का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, बी हेडेड मीन सर को अलग कर दिया जाता था। इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन वो इन्वेंटेड इट, क्वेश्चन बन सकता है ना कि इस मशीन को किसने इन्वेंट किया, तो डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इस मशीन का नाम क्या पड़ा, गिलोटिन। रोबेशपियर्स गवर्नमेंट इशूड ऑलवेज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, रोबेशपियर गवर्नमेंट ने कानून बना करके वेजेस मजदूरी और प्राइसेस कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी, लोज मैक्सिमम अधिकतम सीमा तय कर दी, कितनी मजदूरी होगी अधिकतम और इतनी कीमतों का, गेहूँ इतने होंगे इतनी कीमत तक, ब्रेड इतनी कीमत तक होगी। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, मीट और ब्रेड, मीट और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई, राशनिंग इट मीन्स उसको स्टोर कर दिया गया। पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़, जो पीजेंट्स हैं उनको फोर्सफुली, किसानों को फोर्स किया गया कि टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज़ एंड सेल इट एट प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा जो तय कीमत है उस पर बेचने के लिए बाध्य किया गया कि जो हमने आपके लिए कीमत तय की है उसी पर आप बेचोगे, और ठीक है। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, ऑल सिटीजन्स वर रिक्वायर टू ईट द पेन डी लैक्टे इक्वलिटी ब्रेड एंड लो मेड ऑफ वोल्ड व्हीट, क्या किया गया कि महंगे सफ़ेद आटे वाइट फ्लोर अपेक्षा कर जो महंगा सफ़ेद आटे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, जो महंगा आटा था। द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर, सबसे ज़्यादा जो महंगा था वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, उसको बंद कर दिया गया। ऑल सिटीजन्स रिक्वायर टू ईट, सभी जो सिटीजन्स हैं उनको क्या कहा गया कि आप सभी नागरिकों के लिए जो गेहूं से बनी और जो इक्वलिटी का प्रतीक माने जाने वाली, आप कौन सी इक्वलिटी ब्रेड डिलेक्टे समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया कि आप इक्वलिटी ब्रेड ही खाओगे सभी, वाइट फ्लोर जो एक्सपेंसिव आटा है वो कोई नहीं खाएगा। इक्वलिटी वॉज ऑल्सो शोड टू बी प्रैक्टिसाइज थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस, जो इक्वलिटी है इट मीन्स जो प्रैक्टिसाइज फॉर्म्स ऑफ स्पीच, बोलने एंड एड्रेस इट मीन्स बोलचाल और जो एड्रेस में आप संबोधन करते हैं ना, आप असेंबली से बोलते हो तो इंस्पेक्टर प्रिंसिपल सर लाइक दोस्त, जो संबोधन है उसमें सभी इक्वलिटी का आपस में क्या करेंगे, आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई कि स्पीच में भी और एड्रेस में भी आप इक्वलिटी को रखेंगे, सिद्धांत को अपनाएंगे। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मोनेसियर सिर एंड मैडम मैडन, ऑल फ्रेंच मैन एंड वीमेन वर हैंसफोर्थ सिटीजन एंड सिटी अगेन, ठीक है। देखिए इसमें लिया गया है कि परंपरागत मोंटेश्यू, जो मोंटेश्यू इट मीन शहर, मोनेश्यू शहर हो गया, और मैडम इट मीन्स मैडम, जितने भी ओल्ड फ्रेंच वीमेन है वर हैंसफोर्थ सिटीजन,
इट मीन्स मानस्यूर और मदाम के स्थान पर अब सभी क्या यूज करेंगे, मैन और वीमेन के लिए सितोयन इट मीन्स ऑल सिटीजन एंड सितोयन इट मीन्स नागरिक, ये आपको यूज करना है कि नो मोनेसियर कोई सर मैडम नहीं, सब आर सिटीजन। चर्चिज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इन टू बैरिक्स और ऑफिसिस, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चर्च थे उनको क्या कर दिया गया, शट डाउन बंद कर दिया गया, देयर बिल्डिंग्स और जो उनकी बिल्डिंग्स हैं उनको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, बैरिक्स या ऑफिस दफ्तर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है कि चर्चिज का साथ क्या किया गया, तो आप चर्चिज को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, तो बैरिक्स या ऑफिस में। रोबेस्पियर परस्यूड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडर्नाइजेशन। रोबेस्पियर परस्यूड, रोबेस्पियर ने अपनी पॉलिसीज को इतनी सख्ती से परस्यू किया, लागू किया कि उसके जो खुद के सपोर्टर थे, समर्थक थे, वो भी मतलब रिलेंटलेसली मतलब ट्राई ट्राई करने लगे कि वो भी उसकी डिमांड से, उसकी जो नीतियाँ हैं उसे सपोर्ट नहीं करने लगे, छोड़ दिया उन्होंने उसका साथ। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794। लास्टली जुलाई 1794 में कोर्ट द्वारा उसे क्या दोहराया गया, कन्विक्टेड कि वो दोषी है, अरेस्टेड उसको गिरफ्तार किया रोबेस्पियर को, एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंड टू गिलोटिन, और अगले ही दिन उसको कहाँ चढ़ा दिया गया, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे 3.2। अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, कि डायरेक्टरी जो था, डायरेक्टरी शासित फ्रांस मतलब फ्रांस में क्या हुआ। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडल क्लासेस टू सीज पावर। जैकोबिन गवर्नमेंट के पतन के बाद, फॉल ऑफ पतन के बाद, मिडल क्लास जो मध्यवर्ग के जो वेल्दियर जो संपन्न लोग थे वो सत्ता में आ गए। जैकोबिन क्लब का एंड हो गया, रोबेस्पियर का एंड हो गया, तो जैकोबिन क्लब का एंड हो गया, और जब जैकोबिन क्लब का एंड हो गया तो उसके बाद जो मिडिल क्लास के वेल्दियर लोग थे उनके पास पावर आ गई। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस, अब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना, विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। अब नए कॉन्स्टिट्यूशन के क्या हुआ कि जो नॉन प्रॉपर्टीज लोग हैं उनको राइट टू वोट से वंचित कर दिया गया, वापस से कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप राइट टू वोट आपके पास नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इस कॉन्स्टिट्यूशन में दो चुनी हुई लेजिस्लेटिव विधानसभाओं विधान परिषदों का प्रावधान था। दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। देखिए इन परिषदों में 5 मेंबर्स, 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया, डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 5। दिस वॉज मीट एज ए सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन्स। अब इसको बनाने का क्या मतलब था डायरेक्टरी को, इसको मतलब इस प्रावधान को क्यों किया गया, 5 मेंबर्स क्यों रखे गए, इस प्रावधान के जरिए जो जैकोबिन के टाइमिंग पे एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई थी। हमने देखा था कि जो जैकोबिन क्लब था उसका जो लीडर था रोबेस्पियर, उसने सारी पावर को अपने आप में सेंट्रलाइज कर लिया था, तो इसको इसीलिए बनाया गया लेजिस्लेटिव को, इस 5 मेंबर इसलिए रखे गए कि ये सेफ गार्ड था, सुरक्षित है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर कि एक वन मैन के पास सारी पावर केंद्रित ना हो। However, फिर भी द डायरेक्टर्स often clash with the legislative councils who then sought to dismiss them। फिर भी डायरेक्टरों का झगड़ा होता रहता था विधानसभा परिषदों में, आपस में देखिए झगड़े तो होंगे क्योंकि सबके माइंड एक जैसे नहीं होते, तो उनके जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो डायरेक्टर्स हैं उस आपस में वो क्या करते थे, क्लैश होता रहता था उनका, वो then sought to dismiss them, और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की कोशिश करती थी कि चलो इनको इनको क्या कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव द वे फॉर द राइज ऑफ अ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। अ डिक्टेटरी की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने अस्थिरता, एक में स्थिर नहीं है, फ्रांस की जो कंडीशन है पॉलिटिकल वो अस्थिर चल रही है, कभी कोई आ रहा है सत्ता में, कभी कोई सत्ता में आ रहा है, तो जो अस्थिरता चल रही है उससे क्या है, मिलिट्री डिक्टेटर सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट ने के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। इट मीन्स अब एंट्री होती है, नेपोलियन बोनापार्ट की एंट्री होगी अभी, ठीक है, क्योंकि फ्रांस में जो कंडीशन चल रही है, कभी जैकोबिन का लीडर बन रहा है, फिर मिडिल क्लास वेल्दियर आ गए, पहले 25 ईयर्स से पहले के वोट दे सकते थे, फिर सबको दिया गया, उसके बाद वापस से ये कह दिया गया कि जिसके पास प्रॉपर्टी है उसी के पास राइट टू वोट है, वीमेंस का कोई अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। थ्रू ऑल दीज चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो जितने भी गवर्नमेंट के फॉर्म में चेंजेस हो रहे हैं
द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, जो आइडिया का फ्रीडम का जो आइडिया है, आइडियल्स हैं, इक्वेलिटी है बिफोर द लॉ ऑफ फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स दैट मोटिवेटेड पोलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरी। सरकार के इस फॉर्म में सभी चेंजेस के दौरान फ्रीडम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ सब इक्वल हैं, और फ्रेटर्निटी बंधुत्व तो भाईचारे की जो भावना है वो कैसे आइडियल बने, इट मीन्स अच्छे मोटिवेशनल आइडियल्स, प्रेरक आदर्श बने रहे। हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हीं तीनों को उठाया है। आप अपनी वो देखते हो, प्रीएम्बल देखते हो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, तो तीनों वर्ड्स आपको मिलेंगे प्रीएम्बल में। तो ये तीनों वर्ड हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए। तो आपको तीनों वर्ड्स अच्छे से याद होने चाहिए, कौन कौन से, फ्रीडम, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड हम देखते हैं। तो देखिए, और इन मूल्यों ने, जो ये मूल्य हैं, इन्होंने मोटिवेट किया पॉलिटिकल मूवमेंट्स को, जो यूरोप के राजनीतिक आंदोलन थे उनको भी मूवमेंट्स किया, फ्रांस के नहीं, रेस्ट ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप को इन्होंने प्रेरित किया। हमारे इंडिया के जो दो लोग हैं, लीडर्स हैं, रिफॉर्मर्स हैं, राजा राम मोहन राय और टीपू सुल्तान, ये इन जो आइडियल्स हैं इनसे प्रेरित हुए थे, और इनको उन्होंने अपने अपनाया भी था अपने उसमें। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।